गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सबको? क्लियर? पीपीटी शेयर हो रहा है सबके साथ में? यस स्क्रीन आ रहा है? सर। चलिए, गुड। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। टुडे वी हैव ओनली 15 स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों को अटेंडेंस मेंटेन करना है, ठीक है ना? व्हेन एवर योर कॉलेज विल ओपन और your physical classes will start, your attendance will be counted after these online classes counting. Okay, so ऐसा नहीं है कि इनका कोई वो नहीं, आपका daily attendance maintain हो रहा है, daily register maintain हो रहा है आप लोगों का. So be serious about the attendance in online classes as well as, क्योंकि कुछ time के बाद में ही, let's suppose कि अगर आपका जो midterm examination होगा, तो उस midterm examination में आपका इसी के basis पे होगा कि आपका ऑनलाइन अटेंडेंस के, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लोग क्लासेज अटेंड नहीं करेंगे, ये जो अटेंडेंस इनका इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है? सो सीरियस रहे थोड़ा अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस दोनों कॉलेजों के कंबाइंड में भी बहुत कम है। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिकली टाइल्स के बारे में, अलग अलग तरह की टाइल्स हमने देखी थी, उनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड टाइल की, एक अच्छी टाइल के लिए या आइडियल टाइल के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट आपका, हमने उसके टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, W2 - W1 / W1, दैट इज अ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। We have also discussed about the tolerance limits test, which is regarding to the size of tile. उसके रिगार्डिंग टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस की वैल्यू भी हमने आपको बताई थी। तो ये सब चीज़ें हमने टाइल्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। अब आज हम बात करते हैं एक नया कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है आपका पेंट। पेंट एंड वार्निश दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट द पेंट एंड वार्निश इन डेली लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ वी यूज टू सी दिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो पेंट और वार्निश सबने देखा है, कॉमन है सबके लिए, सबने देख रखा है। चलिए, लेकिन अब हमको थोड़ा सा उसके टेक्निकल उसमें जाना है कि कैसे 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 इसका कंपोजिशन होता है, क्या क्या चीजें इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बारे में क्या है, और कौन कौन से टाइप के इसमें डिफेक्ट्स होते हैं, तो ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये भी एक सिविल इंजीनियरिंग का ही रिलेटेड, क्योंकि ये फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो फिनिशिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आपके होते हैं, वो होता है पेंट एंड वार्निश आफ्टर द प्लास्टरिंग प्रोसेस, ठीक है? तो प्लास्टरिंग इम्पोर्टेंट है, प्लास्टरिंग के बाद में आपका ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सो पेंट्स के बारे में पहला डेफिनेशन देखते हैं, क्या है कि पेंट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द मेटल, टिम्बर और प्लास्टर्ड सरफेस फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट of weather, heat, moisture and gases etc. and to improve their appearance. Paints basically आपका वो construction material है जिसको किसी भी metal surface के लिए, किसी भी timber के लिए, या आपका जो plastered जो structure है which is already plastered by the cement mortar, lime mortar, any kind of mortar, or directly we can use on the stone masonry, brick masonry of a very good quality which have very good finishing property as well. सो उस केसेज में हम कोई भी मेटल हुआ, कोई भी विड हुआ, टिम्बर आपका जो होता है, या आपकी प्लास्टर सरफेस, इनको जितने भी आपके कोरोजिव इफेक्ट्स हैं, उन कोरोजिव इफेक्ट जो है आपके, वो वेदर की वजह से भी हो सकता है, हीट की वजह से भी, मॉइस्चर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपका, ठीक है, और गैसेस, तो उनके अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्टेंस अच्छे से हो सके, उनकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो सके, मेटल की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो सके, आपके टिम्बर जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है? इस तरह के केसेस में इनकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, इसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जिसकी हमको कोटिंग करनी होती है, एक लेयर उनके ऊपर हमको क्या करनी होती है, स्प्रेड करनी होती है, तो वो जो आपका है वो पेंट कहलाता है। तो पेंट बेसिकली जो आपका कोरोजिव इफेक्ट है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज की, एक अच्छी क्वालिटी का जो पेंट होता है, या प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें कि जो पेंट है
ठीक है, किस किस बेसिस पे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं या हम उसका आइडिया ले सकते हैं। तो पहला जो है आपका, दैट इज द वियरेबिलिटी। वियरेबिलिटी का मतलब है कि वियर एंड टीयर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वियर एंड टीयर। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, स्टोन के केस में भी हमने वियर एंड टीयर के अगेंस्ट हमने एब्रेशन टेस्ट किया था। तो यही आपका कि विंड फ्लो हो रही है, आपका स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, रेनफॉल हो रहा है, उस केस में कितना वो रजिस्ट कर रहा है, आपका जो वेदरिंग एक्शन जो रहा है उसके अगेंस्ट आपका कितना वो सस्टेन हो रहा है वहाँ पे, कितना प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी सरफेस को, चाहे वो मेटल सरफेस हो, चाहे वो आपकी टिम्बर सरफेस हो, चाहे वो आपका कोई भी प्लास्टर सरफेस हो। तो ये है आपका बेसिकली। तो वियरेबिलिटी है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी आपकी कवरिंग एबिलिटी, कवर करना है, कितना कवर कर रहा है, किस रेशियो में, कितने टाइम में कवरिंग का, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो कवर करना है सरफेस को। ईज ऑफ क्लीनिंग, कितनी आसानी से इसको क्लीन किया जा सकता है। प्लास्टिक पेंट्स होते हैं, यू कैन वॉश फ्रॉम द वाटर स्प्रे एज वेल एज अदरवाइज, हर टाइप के पेंट को वाटर स्प्रे के साथ में नहीं वॉश कर सकते। तो ईज ऑफ क्लीनिंग, कितनी आसानी से आप उसको कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, आपका जो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह है वहाँ से कितना प्रोटेक्शन हो रहा है आपका, ठीक है। इन्वायरमेंट, इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज, क्योंकि इसमें होने को तो केमिकल्स होते हैं कई सारे, लेकिन उसमें से कितना आपका वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। और आपका प्रैक्टिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कितना आपका कोस्ट के रेशियो में हमारे जो प्रोजेक्ट की कोस्ट उसको कितना वो रिड्यूस कर सकते हैं हम विद बाई मेंटेनिंग द गुड करेक्टरिस्टिक और गुड प्रॉपर्टीज। अगर हम ऐसा नहीं कि हमको एकदम कॉस्ट कम करनी है तो हमने उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर दी, नहीं, तो वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी एज वेल एज द कॉस्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि आप एक पेंट की, अगर हम बात करें, पेंट आपको जो यूज करना चाह रहे हैं, आप कोई से भी टाइप का पेंट यूज करें, तो आपको इन फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा जब भी आप एक सूटेबल टाइप के पेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक पेंट जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपका कोई भी एक ऑयल बेस्ड जो पेंट होता है, उस ऑयल बेस्ड पेंट के आपके पांच जो है मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका होता है पेंट का बेस, जिसे हम कहते हैं बॉडी या बेस, दूसरा व्हीकल, तीसरा पिगमेंट, चौथा थिनर और पांचवा ड्रायर। ये पांच चीजों से मिलके बना होता है। जैसे नहीं कहते हमारे जो ह्यूमन बॉडी है पांच एलिमेंट्स है, पांच तत्वों से मिलके बनी होती है, ठीक है, वैसे ही एक पेंट भी जो है उसका अगर हम बात करें तो उसका कंपोजिशन भी बेसिकली इन पांच आपके कंपोनेंट्स के हुआ है। बॉडी बेस जो आपका होता है, पर दूसरा है व्हीकल आपका, तीसरा पिगमेंट, चौथा थिनर और पांचवा ड्रायर। ये क्या क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, इनको वन टू वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बॉडी का होता है आपका बेस मटेरियल होता है कोई भी चीज का। जैसे अगर हम बात करें, हम कोई भी मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर हमने मार्बल स्लरी बनाई, मार्बल स्लरी हम बना रहे हैं, तो उसमें जो बेस आपका क्या है, दैट इज द मार्बल पाउडर। मार्बल पाउडर आपका बेस मटेरियल है, और उसमें फिर आपने वाटर ऐड किया, उसको कटिंग के प्रोसेस में आप उसको मॉइस्चर वाटर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, तो वहाँ स्लरी हो रहे। बेस जो एक्चुअल में जिसके जिसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेके हम जो चीजें ऐड करते हैं, तो ये जो बॉडी कहलाता है, ये जो बेस पार्ट होता है ना, यही मेन आपका होता है, और इसी की वजह से आपका जो पेंट होता है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आपका एब्रेशन के जो वियरिंग हमने बात करी थी, वियरेबिलिटी जो थी, वो वियरेबिलिटी किसी भी पेंट को उसका जो ये बॉडी पोर्शन है ये प्रोवाइड कराता है। बेस हम इसे कह सकते हैं, बेस मटेरियल जो होता है ना आपका, कंक्रीट आप बना रहे हैं, कंक्रीट में बेस मटेरियल आपका सीमेंट। विदाउट सीमेंट यू कैन नॉट अचीव द प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सो द सीमेंट इज द बेस मटेरियल। अगर हम क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन कोर्स एग्रीगेट इज द बेस मटेरियल। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम यूज करते रहे द कोर्स एग्रीगेट। तो मेन जो बेस मटेरियल है आपका, जो बॉडी है, दैट इज द बेस पार्ट, ठीक है, विच वी कैन से प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एब्रेशन, विच प्रोवाइड द पेंट, जो कि जो आपकी लेयर होती है, जो फिल्म होता है एक ऊपर सरफेस पे, जो टॉप लेयर होती है उसको हार्डर करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, इस रिड्यूस द श्रिंकेज क्रैक ऑन ड्राइंग। जब आपका जैसे जैसे पेंट आपका ड्राई होगा, तो उस केस में जो बॉडी पोर्शन आपका जो होता है ना, जो बेस पार्ट है आपका, वही उसकी जो क्रैकिंग होता है उसको यूज किया जाता है। देखिए व्हाइट पेंट जो होता है आपका, व्हाइट पेंट में ये जो बेस पोर्शन, जो बॉडी पोर्शन है, इसको हम पिगमेंट भी कहते हैं। देखिए बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा, ऐसा नहीं, ये कॉम्पोनेंट है एक उसका, कि
जैसे हमने बात करी थी कि एक बिल्डिंग के उसमें एक आपका फाउंडेशन एक अलग कॉम्पोनेंट है, सुपर स्ट्रक्चर एक अलग कॉम्पोनेंट है आपका, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में जितने भी आपके डोर वॉल विंडो ये सब चीज़ें, तो इसी तरह से आपका होता है ये जो आपका बेसिकली बॉडी के लिए हम या बेस के लिए हम कौन कौन सा जो मटेरियल वो यूज करते हैं, दैट इज द वाइट लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मेटेलिक पाउडर आपके चाहिए एल्यूमिनियम पाउडर हो आपका, सीयू आपका क्रोमियम। और कई बार हम जब टाइप्स ऑफ पेंट हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि आपका लीड पेंट होता है, जिंक पेंट होता है, तो ये बेसिकली आपके इन जो मेटेलिक पाउडर होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम करते थे। अगर आपका एज ए बेस मटेरियल आप अगर जिंक ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका जिंक पेंट हो गया। एल्यूमिनियम अगर आप यूज करें तो एल्यूमिनियम पेंट हो गया आपका। हम जैसे यूज करते थे प्लास्टिक पेंट, तो इस तरह से जो आपका मटेरियल जो आप एज ए बेस उसमें आप पेंट में यूज कर रहे हैं उसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन भी होता है। अब बेस हमने बॉडी की हमने बात करी, दूसरा जो है आपका वो है आपका व्हीकल, ठीक है। व्हीकल की अगर हम बात करें तो व्हीकल जो हम ऑयल जो पोर्शन प्रोवाइड कराते हैं उसका जो मिक्सचर हम तैयार करते हैं, ठीक है, ऑयल ऑयली लिक्विड इन विच द बॉडी एंड द पिगमेंट्स आर सॉल्यूबल, ये आपका वो मिक्सचर जो लिक्विड होता है जो इनका मिक्सचर तैयार करता है। बॉडी एक आपका पाउडर फॉर्म हो सकता है बेस मटेरियल जो है, ठीक है, और पिगमेंट आगे हम देखेंगे, तो इन दोनों को जो मिक्स करता है, जो इनको बाइंड करके रखता है, जो इनको कंबाइन करता है, वो आपका व्हीकल कहलाता है। टर्म अलग है लेकिन ये एक ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। ऑयल्स हम यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के ऑयल हम यूज करते हैं जिसको हम व्हीकल, देखिए इसमें आप लास्ट लाइन लिखेंगे तो ऑयल आर मोस्ट कॉमनली यूज एज व्हीकल। और व्हीकल का काम क्या है आपका, व्हीकल का काम है आपका बॉडी जो आपका बेस पोर्शन था और जो पिगमेंट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना, इनको मिक्स करना, थोरली मिक्स करना, ठीक है। ऑयल लिक्विड जो है आपका व्हीकल जो है इसका जो मेन पर्पज और मेन ऑब्जेक्टिव या मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो आपका होता है कि जो आपकी सरफेस जिसके ऊपर आप पेंट कर रहे हैं तो सरफेस के ऊपर पूरा ओवरऑल एक यूनिफॉर्मिटी आपका कैसे स्प्रेड होगा, वो आपका जितना ज्यादा आप उसमें ऑयल लिक्विड यूज करें। अगर आपने बहुत कम अमाउंट में ऑयल लिक्विड यूज किया तो आप उसको क्या करेंगे, ओवरऑल जो आपकी सरफेस है उसके ऊपर नहीं कर सकते आप यूज, ठीक है। तो इसलिए आपका कि आपका उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर स्प्रेडिंग किस फॉर्म में होगी, कितनी कन्वीनियंटली वो होगी, वो डिपेंड करता है आपका आपकी कितना अमाउंट ऑफ उसमें व्हीकल या अगर हम कहें ऑयली लिक्विड जो है आपने यूज किया है। तो पहला कंपोनेंट था हमारा बॉडी, दूसरा कंपोनेंट था हमारा व्हीकल, क्लियर है दोनों। बॉडी जो आपका बेस मटेरियल था, व्हीकल हमने जो ऑयल लिक्विड उसमें हम यूज कर रहे हैं वो है आपका, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को? चलिए अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका दैट इज द, इसके बाद में थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द व्हीकल इज टू एडजस्ट द विस्कोसिटी ऑफ द पेंट। विस्कोसिटी आपने सबने एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी है, ठीक है ना, जितना ज्यादा आप व्हीकल का अमाउंट जो है या क्वांटिटी जो आप ऐड करेंगे उतनी ज्यादा विस्कोसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो काम मेन पर्पज होता है वो आपकी पेंट की विस्कोसिटी को मेंटेन करना होता है। एक आपका स्टिफ पेंट है, लिक्विड है या बहुत ज्यादा आपका फ्लोएबल पेंट है, वो आपका डिपेंड करेगा उसके अंदर आपने कितना अमाउंट ऑफ व्हीकल जो है आपका या लिक्विड आपने यूज किया, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं पिगमेंट। पिगमेंट आपका वो मटेरियल होता है या वो पार्ट होता है जो आपके पेंट को कलर प्रोवाइड कराता है। अभी तक बेस की हमने बात करी थी, बेस उसको देता था सरफेस के ऊपर जो स्प्रेड आउट होता था वियरिंग टेयरिंग का जो रेजिस, जो एक तरह से हम फाउंडेशन तैयार करते हैं वो आपका बेस होता था। बेस और पिगमेंट दोनों को मिक्सचर करने वाले का काम होता था वो होता था व्हीकल, ठीक है, ऑयली लिक्विड। पिगमेंट क्या आपका, पिगमेंट वो मटेरियल है जिसको बेस के साथ में मिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हीकल या ऑयल लिक्विड, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्या करता है, ये आपका पेंट को कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे व्हाइट पेंट की अगर हम बात करें तो व्हाइट पेंट में आपको कोई एडिशनल आपको एक्स्ट्रा कलर नहीं प्रोवाइड कराना होता है, तो जो आप बेस मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, जो बॉडी में जो एज ए मटेरियल यूज कर रहे हैं, आपका वही पिगमेंट के रूप में काम करता है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है इसका कि इन द केस ऑफ व्हाइट पेंट, इन द केस ऑफ व्हाइट पेंट द बॉडी इज वर्क एज अ पिगमेंट, ठीक है। तो वो जो कलर एडिशन का काम होता है वो उसमें जो बेस पार्ट है वही कर रहा है, ठीक है, नेचुरल। अब इसमें पिगमेंट जो है आपका मेन, आपको ये याद रखना है कि पिगमेंट का फंक्शन क्या है, ठीक है। पिगमेंट का फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ द पिगमेंट इज टू गिव द पेंट कलर टू द पेंट,
इसमें नेचुरल पिगमेंट भी हम यूज करते हैं, सिंथेटिक भी आपका होता है, ठीक है। नेचुरल पिगमेंट पे हम जितने भी आपके आयरन ऑक्साइड से या जो आपके क्रोम ऑक्साइड से, और सिंथेटिक में आपका जो है उसमें हम बेसिकली जो कॉमनली यूज होता है आपका वो कोल टार के, जो अपने जितने भी आपने बिटुमिनस पेंट्स आपने देखे हैं तो उसमें जो कलरेशन का जो पिगमेंटेशन जो काम होता है वो बेसिकली कोल टार के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं जो उसको प्रोवाइड कराते हैं। पिगमेंट इम्पार्ट और क्वालिटी सच एज कलर एंड ऑपेसिटी, ठीक है, हीडिंग जिसे हम कहते हैं, और ये आपका प्रोटेक्टिव एबिलिटी को भी इंक्रीज करता है कि आपका कोई भी पेंट है वो जो आपके एटमोस्फेरिक कंडीशंस है उनके अगेंस्ट कितना आपका प्रोटेक्टिव है वो बेसिकली आपका डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो पिगमेंट आपका समझ में है जो कलर प्रोवाइड कराता है। हमने तीन कंपोनेंट पढ़े, बेस पढ़ा हमने, बॉडी जिसे हम कहते हैं, दूसरा व्हीकल पढ़ा, लिक्विड, और तीसरा पिगमेंट। अब ये हमारे पास एक पेंट तैयार होके आ गया। अब क्या हम ऐसे एजुकेटेड, जितना मार्केट में हम जो पेंट, जैसे आपने एशियन पेंट पढ़ा होगा, ठीक है, शालीमार पेंट्स आपने सुने होंगे, उनकी पेंट्स बकेट के पैकेट में आते हैं, क्या हम उनको डायरेक्ट लाते ही हम उनको क्या कर अप्लाई कर देते हैं? ये हमने तीनों चीजों से कॉम्बिनेशन बना लिया, आपका पिगमेंट हो गया, बॉडी हो गया और व्हीकल उसमें ऐड करके हमने एक पेंट बना लिया। हम क्या डायरेक्ट पेंट को लाके सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं? नो सर। तो क्या करते हैं हम उसमें? थिनर मिलाते हैं ना। थिनर मिलाते हैं, ओके, थिनर मिलाते हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है वो है थिनर, ठीक है। आपने पेंट तो तैयार कर लिया, लेकिन अब उसको इतना स्टिप आपका वो पेंट है तो आप उसको सरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर उसको सरफेस के ऊपर अप्लाई करना है उस केस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा लिक्विड बनाना पड़ेगा, उसकी फ्लोएबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो थिनर आपका बेसिकली वो कंपोनेंट होता है जो आपके पेंट को लिक्विड बनाने के लिए, उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज करने के लिए, उसको फ्लोएबल बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। आपने सबने सुना होगा थिनर, तो सुना है ना सबने? यस सर। कौन सा ऑयल हम सबसे कॉमनली थिनर के रूप में यूज करते हैं पेंट के केस में, अगर हम अपने वुडन में या अपने मेटल के जो जो डोर विंडोज होते हैं उनपे, टारपीन ऑयल का आपने नाम सुना होगा, पाइन ट्री से जो हम ऑब्टेन करते हैं टारपीन ऑयल, सुना है सबने नाम, टारपीन का तेल जिसे हम कहते हैं जनरल उसमें, तो वो आपका टारपीन ऑयल जो है वो एज ए थिनर यूज किया जाता है। तो थिनर का आपको फंक्शन है, थिनर एक लिक्विड थिनर आपका यूज किया जाता है टू इंक्रीज द फ्लूडिटी, ठीक है, आपका पेंट को स्मूथ बनाने के लिए। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा आपका पेंट है जो लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जैसे आपने प्लास्टर किया, अब प्लास्टर के अंदर आपको पता है कि वो पोरस सरफेस है, उसके अंदर क्या होंगे, वॉइड्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, वॉइड्स ना प्लास्टर में, सीमेंट के उसके कॉम्बिनेशन में। तो जितना ज्यादा आपका पेंट जो है थिनर होगा उतना ही ज्यादा आपका वो पोर्स के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, क्लियर है। जितना ज्यादा लिक्विड होगा आपका या उसकी विस्कोसिटी जितनी कम होगी तो उतना ही ज्यादा सरफेस के ऊपर जितने पोर्स आपको उनके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा और एक स्मूथ फिनिशिंग देगा, ठीक है। कॉमन थिनर हम जो है टारपिन ऑयल है उसको यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन अगर हम उसकी बात करें तो, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट जो है ड्रायर, ड्रायर आपको होता है कि आपका जो व्हीकल आपने जो उसके अंदर जो लिक्विड ऑयल आपने ऐड किया है, देखिए थिनर एक अलग चीज है जो फ्लोएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, एक होता है आपने कि जो आपने सोल्यूबल इसको सोल्यूबल मिक्स बनाया था, तो व्हीकल का जो आपका ड्रॉइंग होता है, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी ड्राई करने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ सॉल्ट से आपको वो ऐड करना होता है, ऑर्गेनिक सोल्ट ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड मैग्नीज और कैल्शियम, इस तरह के आपके ऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं वो आपको ऐड करने होते हैं। ये क्या करेंगे, ये बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो पेंट के अंदर की जो हीट है उसको ये क्या करेंगे, बाहर की तरफ इवोपरेट करेंगे, तो उससे आपका जितना जल्दी आपका जो पेंट है वो ड्राई, बेसिकली ड्रायर का काम ही आपका यही होता है, पेंट को जल्दी से जल्दी उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और उसका जो लिक्विडिटी उसको खत्म करना, ठीक है, उसके ड्राइंगनेस जो है उसको इंक्रीज करना। तो ये पांच आपके मोस्ट कॉमन जो है कंपोनेंट थे किसी भी पेंट के, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को पांचों के बारे में? पहला आपका बॉडी, दूसरा आपका व्हीकल जो हमने लिक्विड ऑयल ऐड किया था, तीसरा आपका पिगमेंट जो आपका कलरेशन के लिए यूज में लिया जाता था, चौथा जो था आपका वो था थिनर,
ठीक है, और पांचवा है आपका ड्रॉयर। पांचों क्लियर है, पांचों के बारे में लिख सकते हैं? एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? कोई डाउट है किसी को? चलिए, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके कुछ डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके डिफेक्ट्स के बारे में समझते हैं कि आपका जो पेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा बहुत अलग अलग टाइप के डिफेक्ट होते हैं, कोई बताएगा मेरे को जनरल डिफेक्ट क्या क्या होते हैं किसी भी पेंट में? What are the defects which commonly found in any kind of paint surface? General term की अगर हम बात करें तो sir, blooming, fading. Okay, क्या होता है इनका हिंदी में एक मेरे को जनरल वो चीजें बताएं। देखिए क्या होता है, सिंपल सा अगर मैं जनरल लैंग्वेज में पहले बात करूं, फिर इसके जो टेक्निकल टर्म्स उनको हम बाद में समझेंगे। पेंट क्या होता है, सरफेस होती है, सरफेस के ऊपर जो वो हटने लग जाता है, होता है ना, ठीक है, एफ्लोरेंस आ जाता है, व्हाइट कलर का फॉर्मेशन आपकी पेंट के ऊपर या ब्लैक कलर का फॉर्मेशन आपका, कई बार काली काली सरफेस होने लग जाती है, होता है। हमने कई बार देखा होगा कि उसके अंदर से क्या होता है, वैक्यूम टाइप का क्रिएट होने लग जाता है, ठीक है, सरफेस में वो हटता नहीं है लेकिन उसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम टाइप का जो एयर है वो उसके पेंट के अंदर आ जाती है। ये अलग अलग टाइप के जो हमने डिफेक्ट्स पढ़े हैं यही आपके वो हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, टेक्निकल टर्म्स में इनको क्या कहते हैं उसको समझिए। पहला है आपका फेडिंग, ठीक है, फेडिंग क्या है आपका, द ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर। फेडिंग का मतलब है आपका कि फेडिंग हो रही है, मतलब आपका लॉस ऑफ कलर हो रहा है, ठीक है, और लॉस ऑफ कलर जो फेडिंग होती है आपकी वो बेसिकली आपका है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सन रेज। जैसे सनलाइट आपके पेंट के ऊपर आएगी तो कलर आपका क्या होगा, कलर फेड होता है, क्लियर है, फेडिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा आपका फ्लैकिंग, फ्लैकिंग और पीलिंग हम कहते हैं क्या कि आपका सरफेस से जो आपका पेंट है जो छूटने लग जाता है, ठीक है, ड्यू टू द पुअर एडिशन, आपका एडिशिव प्रॉपर्टी उसमें प्रॉपर नहीं, तो उस केस में आपका क्या होगा, पेंट जो है आपका वो सरफेस से पील ऑफ होने लग जाता है, हटने लग जाता है, वो कहलाता है आपका फ्लैकिंग और प्लीक, जो आपका पीलिंग। तीसरा आपका ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग आपका क्या होता है, जो हमने करा था कि उसमें उसके अंदर एक वाटर वेपर तैयार हो जाता है, ठीक है, एक वैक्यूम आपका तैयार हो जाता है, ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय द वाटर वेपर विच इज ट्रैप्ड बिहाइंड द पेंट सरफेस, ठीक है। आपका जैसे जैसे अगर आपने टिम्बर के ऊपर आपने देखा होगा, लकड़ी के केस में आपने पेंट करा तो उसके ऊपर जो वैक्यूम फॉर्मेशन आपका होता है, ठीक है, वो इस वजह से होता है क्योंकि आपका जो वुड होता है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा आपका जो मॉइस्चर बाहर की तरफ आता है और वो पेंट को एक तरह से इंक्रीज। देखिए आपका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको कुछ, ये फ्लैकिंग, ठीक है, फ्लैकिंग को आप पीलिंग से भी समझेंगे, तो ये फ्लैकिंग का मतलब है कि ये सरफेस में आपकी एडिशिव प्रॉपर्टी सही नहीं थी तो थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ, जो आपकी सरफेस है उससे हटने लग गया। ब्लिस्टरिंग इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपका वाटर फॉर्मेशन होता है, वाटर की वजह से क्या होगा, इसमें वैक्यूम फॉर्मेशन आपका होने लग जाता है, तो ये कहलाता है आपका ब्लिस्टरिंग। जो मॉइस्चर सीलन आपका मॉइस्चर डैम्पनेस की वजह से जो होता है ना, वो आपका प्लास्टर केसेज में भी होता है और ये आपका मोस्ट ऑफ द जो होता है आपका वुडन केसेज में होता है, ठीक है। वुडन में आप क्या होता है, प्रॉपर सीजनिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर सीजनिंग नहीं करने की वजह से उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो आपका जब मॉइस्चर कंटेंट आपका प्रेजेंट होता है तो उस केस में आपका इस तरह से वैक्यूम फॉर्मेशन आपका होने लग जाता है। पीलिंग का हमने वही आपने अभी देखा था, एडिशिव प्रॉपर्टी नहीं, तो उस केस में आपका ये सरफेस से छूटने लग गया। फिर इसके बाद में जो है आपका वो देखिए आपका ब्लूम, ब्लूम क्या होता है, आपका जो डल टाइप के पैचेज आपके पड़ जाते हैं, एक यूनिफॉर्म आपका पेंट सरफेस नहीं रहता है, ठीक है ना, डल पैचेज उसमें कई कई जगह पे आपका जो है वो बहुत ज्यादा डलनेस शो करने लग जाता है, तो आपका ब्लूमिंग कहलाता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द डल पैचेज ऑन द फिनिश सर्फेस इज नॉन एज ब्लूम, इट मे अकर ड्यू टू द बैड वेंटिलेशन और डिफेक्टिव पेंट। वेंटिलेशन अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो उस वजह से भी, क्योंकि ड्राइंग के केसेज में आपको क्या करना होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर आपका ड्राइंग अनइवन हुई, ठीक है, अनइवन ड्राइंग आपकी हुई तो कई जगह उसमें थोड़े थोड़े पैचेज आपके पड़ने लग जाते हैं, ठीक है।
तो ये आपका ब्लूमिंग होगा। रनिंग केस क्या कहलाता है आपका, द पेंट रन बैक्स एंड लीव सम एरियाज सरफेस अनकवर्ड। जैसे आपने वाटर के केसेज में जो आपका सरफेस टेंशन की वजह से होता है, उसी तरह से आपका क्या होता है, पेंट कई बार आपका पूरी सरफेस को कवर नहीं करता है, ठीक है ना। जब आपने बहुत ज्यादा मोटी आपने पेंटिंग कर दी, एक लेयर उसके ऊपर कर दी, तो उस केस में क्या होगा, वो कुछ पोर्शन जो है उनकी वजह से वो वापस से छोड़ के और एक एक एरिया की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। जैसे सरफेस टेंशन में आपका क्या होता है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर आप वाटर ड्रॉप को करेंगे तो वो श्रिंक करना लग जाता है अपने आप को। वैसे आप अगर थिक पेंट लेयर अगर आप वो कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे वो रनिंग की प्रॉब्लम आपकी, मतलब वो बैकिंग पोर्शन, बैक मोशन आपका पेंट करने लग जाता है। रिंकलिंग आपका क्या है, इफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज टू थिकली पेंटेड देन द रिंकलिंग, रिंकलिंग मतलब उसके अंदर जो क्रैक्स टाइप का जो फॉर्मेशन होता है ना इस तरह का, ये रिंकलिंग जो धारियां जिसे हम कहते हैं वो पड़ जाती है, झुर्रियां टाइप की, ठीक है, तो रिंकलिंग होता है। जो हमने पढ़ा था अभी वेपर्स जो फॉर्मेशन होता है वो एक अलग होता है, उसमें आपका पूरा एक यहाँ पे लार्जली वेपर फॉर्म होगा, लेकिन इस तरह से छोटी छोटी जो रिंकल्स आपके होते हैं सरफेस के ऊपर, ये रिंकलिंग कहलाता है। लैक ऑफ एडिशन की वजह से जो हमने देखा था, आपका जो फॉर्मेशन है पूरा वो हट ही जाता है यहाँ से, एक लेयर जो वो हटना स्टार्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे एक बार जैसे आपका ये हटना स्टार्ट हुई वैसे वैसे आपका जो और ज्यादा ये एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद में एक एफ्लोरेंस, एफ्लोरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ब्रिक के केस में, ब्रिक के केस में एफ्लोरेंस हमने पढ़ा था, क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ जो आपके सॉल्ट्स वहां पे प्रेजेंट होते थे उस वजह से आपका जो ऊपर की सरफेस उसके ऊपर व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्मेशन होने लग जाता था। सो द एफ्लोरेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट पाउडर डिपोजिट ऑन द वॉल्स आफ्टर द पेंटिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग मटीरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटीरियल आपके ब्रिक मोर्टार में जो सॉल्ट प्रेजेंट है उस वजह से आपका वो सॉल्ट है जो आपका फॉर्म होने लगता है, और वो फोर्स जो आपका हुआ वो पेंट के भी सरफेस के ऊपर धीरे धीरे फॉर्मेट होने लग जाता है, फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका एफ्लोरेंस, इसका अगर सॉल्यूशन क्या होता है आपका, इसका सॉल्यूशन तो बेसिकली अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आपका कोई भी आपका प्लास्टरिंग और आपने पेंटिंग जो करी उन दोनों के बीच में कम से कम आपको 6 महीने का टाइम आपको रखना पड़ता है, ठीक है, और एक आपका जो इमल्शन है या जो डिस्टेम्पर है आपको पहले उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये एफ्लोरेंस व्हाइट कलर का। एक होता है आपका ब्रश मार्क, ब्रश मार्क आपका होता है कि आपने बहुत ज्यादा जो है थिन आपका बहुत ज्यादा पतला आपने अगर पेंट आपने यूज करा है थिनर क्वालिटी का, ठीक है, या पुअर क्वालिटी का आपने यूज करा है, तो जो आपके ब्रश जो मार्क होते हैं, ठीक है, वो इस तरह के ब्रश मार्क आपके क्या होते हैं सरफेस के ऊपर शो होने लगते हैं, ठीक है, तो ये ब्रश मार्क आपके होते हैं। तो इसलिए आपको ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपका विस्कोसिटी के ऊपर, तो आपको एक प्रॉपर और एक स्टैंडर्ड विस्कोसिटी का पेंट आपको यूज करना पड़ेगा, तो उस केसेज में आपका क्या होगा, ब्रश मार्क जो है आपका वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। देखा आपने कई बार ब्रश मार्क जो आपके होता है, हम अनस्किल्ड तरह से काम करते हैं, कोई उसमें ज्यादा सुपरविजन हम नहीं करते, तो उस तरह से कई बार आपकी सरफेस के ऊपर ब्रश मार्क जो है वो आपके अपियर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ जो है डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था पेंट के। पेंट से रिलेटेड आपका एक और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, दैट इज द वार्निश, ठीक है, तो उस वार्निश के बारे में हम पढ़ेंगे, वार्निश के बारे में हम